IMA CONCLAVE से मैं नीरज कुमार राठौर कॉर्पोरेट कॉरेस्पॉन्डेंट। आज मेरे साथ में मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो इंदौर का वन ऑफ द ओल्डेस्ट और रेपुटेड इंस्टीट्यूट है, वहाँ से फरीना मैडम और मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वहाँ से प्रियल मैडम आज मेरे साथ में हैं। फरीना मैडम, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपका संस्थान कब इस्टेब्लिश हुआ था? सर, हमारा संस्थान जो है वो 2004 में इस्टेब्लिश हुआ था। ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ने उसको स्थापित किया था, जिसमें आकाश शिवरे जी है, भाटिया जी हैं, अभी आकाश सर जी हैं जो सारा कुछ प्रमाइस देखते हैं। और हमारा जो है सर टेक्निकल कैंपस है, प्लस अब हमने ऑल्टीएस जो है मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए वो भी स्टार्ट कर दिया है। तो लाइक हमारा बहुत बड़ा प्रमाइस है जिसमें हम सारे टेक्निकल कोर्सेज बीई प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, एंड एमबीए भी है हमारे यहाँ, और ऑल्टीएस में वी आर हैविंग ऑल दी मैनेजमेंट कोर्सेज, बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंस भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्राइम लोकेशन पे इट इज़ वन ऑफ दी ओल्डेस्ट एंड बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, दैट इज़ MIT वी आर हैविंग, बहुत अच्छा कॉलेज। प्रियल मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी जैसा कि IMA के जितने भी स्पीकर्स बोल रहे हैं कि अभी हमारे कॉलेजेस से जितने भी ग्रेजुएट पास आउट हो रहे हैं हर साल, उनमें बहुत बड़ा स्किल गैप देखने को मिल रहा है, वो इंडस्ट्री की नीड को पूरा नहीं कर पा रहे, तो क्या आपके कॉलेज में भी ये इशू आ रहा है क्या? हाँ सर, एक्चुअली ये प्रॉब्लम हर जगह पर आता है, बिकॉज अगर हम इंडस्ट्रियल का बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बच्चों को हमारे यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है प्लेसमेंट से पहले, जब बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप और ई स्किल्स की हम लोग ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को जैसे अगर सपोज वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, वो अपने अंदर जो छुपे हुए जितने भी चीज़ें होती हैं, बच्चों को एक मैनेजमेंट स्किल सिखाई जाती है, तो ये सारी चीज़ों से हम लोग बच्चों को अवेयर करते हैं, एंड इन चीज़ों से हम लोग उन्हें बताते हैं कि वो सारी चीज़ों को अच्छे से इन्हेंस करें अपने नॉलेज को। इंडस्ट्रियल विजिट्स जो हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, स्पीकर्स हैं, मतलब हम चाहते हैं बच्चों का ऐसा नहीं इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वन ऑफ द बोरिंग कोर्सेज हो जाए कि भाई टेक्निकल कैंपस है, बट बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर और इंटर्नशिप हम दोनों कॉलेजेस में प्रोवाइड करते हैं। MIT अभी जैसा अंदर जो स्पीकर लोगों ने बताया कि अभी टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई हो गई है, अभी बिग डेटा आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, क्या इन जो इनोवेशन वाले जो एरिया हैं इनमें भी आपका कॉलेज कुछ कर रहा है काम? सर देखिए, बिल्कुल कर रहा है, हम चाहते हैं कि बच्चे अपडेटेड रहें विथ एवरीथिंग टेक्नोलॉजी, लेकिन हमको स्मार्ट बना रहे हैं ताकि वो उस चीज़ को मतलब देख सकें कि व्हाट इज़ गुड फॉर देम एंड व्हाट इज़ बैड फॉर देम, टेक्नोलॉजी यूज़ करें लेकिन उसका सही यूज़ करें, ये सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि फेसबुक चला रहे तो मतलब उसके बैड इफेक्ट्स भी हैं गुड है, लेकिन आप स्मार्ट इनफ हो कि आप क्या ऑप्ट करते हो, वो पूरी ट्रेनिंग सर हम देते हैं, ट्रेनर्स हम बाहर से बुलाते हैं जो बच्चों को ग्रूम करें, उनको ट्रेन करें, ताकि वो अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है वो बाहर एक्सपोजर जो है उनको वो मिले। एंड हम बाहर से लेक्चर्स भी बुलवाते हैं हमारे कॉलेज में ताकि बच्चों अब्रॉड से इंटरनेशनल नेशनल स्पीकर्स हमारे कॉलेजेस में आते हैं। एंड 2016 में वी गॉट द अवार्ड आल्सो, प्लेसमेंट 100% प्लेसमेंट का अवार्ड भी हमें मिला है, सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग इन आवर कैंपस। आप इसे एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा मैं कि कॉलेज का जो सेगमेंटेशन है आपका, कि आप लोग पहले हायर एजुकेशन में स्टार्ट हुए सन 2004 में, और रिसेंटली आपने स्कूल एजुकेशन के ऊपर भी फोकस किया और स्कूल एजुकेशन भी आपने स्टार्ट की आपके ग्रुप में, तो इसके पीछे क्या आपका मकसद रहा? हमारा उद्देश्य है कि हम बच्चों को स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग से ही लर्निंग प्रोसेस सिखाएं, मीन्स एक्टिव टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और सारा चीज़ें उन्हें बचपन से देंगे, तो जब वो इस एज तक आएंगे, इस ग्रुप तक, मीन्स 18 साल 20 साल तक, तो तब तक वो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा डेवलप हो पाएंगे ना, वो जो बिलव होंगे वो अभी से बच्चों को टेक्नोलॉजी, यूसी मास और सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, लर्न विथ फन, सो ये कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आए, सो इससे बच्चा डेवलप होता है, चीज़ें इन्हेंस होंगे।
आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा कि अभी इंदौर में देखते ही देखते बहुत सारे प्राइवेट विश्वविद्यालय आ गए, सच एज ओरिएंटल यूनिवर्सिटी, वेस्टो यूनिवर्सिटी, MITM यूनिवर्सिटी, इतनी सारी एकदम से प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ आ गई। आपका जो कॉलेज है उसका अभी भी कॉलेज ही स्टेटस है, वो यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाया? यूनिवर्सिटी को कन्वर्ट करने के लिए करते, बट ठीक है, एक जो स्टैंडर्ड है लाइक हमारा RGPVV का और जो DAVV का, सर वो किसी कोई बीट नहीं कर सकता। अगर हम उनको गवर्नमेंट रिकग्नाइजेशन दे रहे हैं तो उनके करियर के लिए इट इज़ वेरी गुड, उनको वो चीज़ बाद में बहुत ज़्यादा काम आएगी। सर प्राइवेट इंस्टीट्यूट, आई नो कि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही हैं, बट हम उनको रिकग्नाइज दे रहे हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, तो उनके ये रिज्यूमे में भी और उनको जो प्रैक्टिकल नॉलेज हम दे रहे हैं उसमें भी ये बहुत एक स्पार्क ऐड करती है, तो ये बच्चों को पता है, दैट इज़ वाई वो चाहते हैं कि वो MIT या MIST भी पढ़े। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें।